एक ही जो एक फैमिली की एक ठीक है एक एक फैमिली की सारा बेटा ले लो चलो दे दो आ जाने दे दो लो आ जाओ एक एक करके आ जाओ आ जाओ ध्यान दो आ जाओ दे दो आ जाओ बेटा ले मान लो जा दो लो दे दो सही हाँ भेज दो हाँ भेज दो हाँ भेज बोला था ठीक है ठीक है बेहतर माँ बाप आगे तो वैसे नहीं कहते बोले आज ले जाए दे आइए बेटा जमा लाभ लेगा आपकी बहन की बात नहीं आज आप आज आ जाओ बेटा अब है कोई और ये ना हो एक ही फैमिली का डबल जा रहा हो बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि देखो हम इतने नहीं कि हम 100 को दे देंगे ठीक है बात समझ रही हो इतना हो कि एक फैमिली को जा रहे हैं कम से कम हफ्ता तो खाते पता लगा एक ही एक घर में जा रहा है हमें पता है एक चाइना बताया था कल तो एक चाइना 500 दोस्तों इस टाइम जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन में बहुत ही हालात खराब है हमारे हिंदुस्तानी कहते हैं हम तो सीधा हिंदुस्तानी कहेंगे तो हिंदुस्तान में जो चल रहा है तो हिंदुस्तान कहेंगे हमारे हिंदुस्तान में हर जगह बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं लॉकडाउन में जो यूपी बिहार के ज़्यादातर यूपी बिहार वालों पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है तो परेशान चल रहे हैं वे तो इसमें हमने सोचा यार क्यों ना उनकी अलग से एक अपने भाइयों को सलाह दे दें शायद किसी को अच्छी लगे और शायद मदद भी करें और बहुत से कर भी रहे तो हमने भी अभी भी हम भी मदद कर रहे हैं एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के जैसे भी है जैसे मदद हो लोग ही कर रहे हैं अब हम थोड़ा बहुत राशन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किसी को दिया है और अभी ये बचा है जैसे जो आ रहा है एक एक दो दो करके हम दे रहे हैं ठीक है सब मैं कह रखा कि भाई जो बिल्कुल बिहार यूपी का कोई ज़्यादा परेशान है किराए पर रह रहा है वो ज़्यादा परेशानी है तो हम उसे जो है राशन इस तरह दिखाना भाई राशन दिख रहा है राशन उसमें तो इस तरह हम उसकी राशन की मदद कर रहे हैं कि भाई ले जाओ कम से कम ये एक एक हफ्ता हफ्ता या 10 दिन ये राशन चल जाएगा इतना राशन हम मतलब दे रहे हैं तो इसमें हमने एक चीज और सोची जो शायद आपको पसंद आ जाए कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं ईद पे जकात फितरा निकालते हैं तो इस टाइम आप ये जकात फितरा जो भी निकाल रहे हो मस्जिद मदरसों में ना दे करके जो सदका भी देते हैं सदका भी निकालते हैं बहुत कुछ पैसे निकालते हैं मतलब तो हम चाहते हैं कि आप वहां ना दे करके जो रास्ते में यूपी बिहार के गरीब निकल रहे रास्ते में आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप फेसबुक और यूट्यूब पे भी और खबरों में तो खैर काफी मशहूर हो गई हमारी इंडिया न्यूज चैनल काफी मशहूर हो गई कह करके कि क्या हो रहा है दुनिया देख रही है दुनिया को पता चल रहा है तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के प्रवासी बहुत ज्यादा परेशान है जो मजदूर तबके के लोग थे सफर कर रहे हैं बेचारे लुधियाना से भी चल रहे हैं अभी वीडियो बहुत ज्यादा चल रही है इस टाइम फेसबुक पर कि यूपी वाले पंजाब से पैदल पहुंचे करनाल तक और करनाल से जब यूपी यूपी में एंटर करने लगे तो वहां एंटर नहीं दी जा रही उनको काफी उनपे डंडे उंडे बरसाए जा रहे हैं तो ऐसे में बंदा इतनी दूर देखो कहना मुंह से कह तो दिया कि इतनी दूर पैदल जाना हजार दो दो हजार किलोमीटर का वो सफर पैदल तय कर रहे हैं जिसमें बच्चे भी हैं औरतें हैं बूढ़ी बच्चे भी हैं तो ऐसे में हम अपने मुसलमान भाइयों से चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके जकात फितरा या सदका जो भी निकालना चाहते हो यार या इमदाद करना चाहते हो आप जो भी है सीधा गरीबों के हाथ में दे दो
मदरसे मस्जिदों में ना दे करके सीधा उनको हेल्प कर दो, 500,000 रुपया जितना आपसे निकाला जाए डायरेक्ट उनको दे दो, ताकि वे सफर में खाने पीना आसान हो जाए उनका, या सफर करने के लिए उनके पास पैसों का हिसाब हो जाए, ताकि वो अपने घर अपने परिवार तक सही सलामत पहुंचे। क्योंकि बहुत सी वीडियो में हमने देखा है कि सफर में ही बंदे मर गए, पैदल चलते हुए भी मरे, एक्सीडेंट से भी मरे, भूखे प्यास भी मर गए, और बहुत से उनके बच्चे भूखे रास्ते में मर गए। बड़ा दुख लगता है ऐसे देख करके कि यार कि हमारे इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कितना बुरा हाल आ गया है। तो हमने भी सोचा कि भाई थोड़ा बहुत करें मदद लोगों की, मगर फिर भी हम चाहते कि एक वीडियो के जरिए हमारे भाइयों तक ये संदेश पहुंचे कि आप जो भी है अपने परिवार वालों को, अपने बड़ों को समझाएं कि जकात फितरा या इमदाद जो भी आप मस्जिद मदरसों में पहुंचाते हो, ठीक है, जो रसीदें कटवाते हो, रसीद ना कटवाएं इस साल, बिल्कुल भी रसीद ना कटवाएं, गरीबों की मदद कर दें, वो सबसे बड़े स्वाब का काम होगा, सबसे बड़े पुण्य का काम होगा। सीधा डायरेक्ट आप सड़कों पर पहुंचे, कहीं जब अगर आपके मोहल्ले में कोई अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है परेशान है तो डायरेक्ट वो पैसा आप वहां पर दें ताकि उनकी परेशानी दूर हो। अगर मोहल्ले पड़ोस में नहीं है तो डायरेक्ट, जैसे लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलती है रोड पर जाने की, हमारे यहाँ से रोड काफी दूर है, तो आप सीधा रोड पर पहुंचे, वहां पर जो पैदल चल रहे मजदूर है सीधा उनकी मदद करें, आप सीधा उनको खर्चा पानी दे दें कि ले भाई तेरे ये काम आगा, खा लेना पी लेना, अगर कोई सफर में गाड़ी में अगर बिठा ले तो उसको खर्चा दे के अपने परिवार तक पहुंच जाओ, ठीक है। ताकि यार लोग बाग बहुत ज्यादा परेशान है और देखी नहीं जाती परेशानी, लोग बाग बहुत परेशान है, उल्टी सीधी बहुत वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप पे आ रही, बहुत कुछ उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम भी यार ऐसा उल्टा सीधा बोले, हम सिर्फ यही चाहेंगे कि प्लीज हमारे हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा परेशान है, प्रवासी मजदूर प्लीज उनकी मदद करें भाई, जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाई जो भी मदद करने वाले हैं, इन्हें पैसों की मदद, खाने पीने की मदद जैसी हो वो मदद की जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपका भाई भी लगा हुआ है जब से, ये तो खैर हमने बाहर से भी मदद की है, जहां से मदद हो रही कर रहे हैं, मगर हम आप चाहते हैं कि आप भी मदद करो, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ यार ये जो पैसा हमने मदरसे मस्जिदों के लिए जकात फितरा इमदाद जो भी निकालना था, आप मदरसे मस्जिदों में ना दें, बिल्कुल बिल्कुल भी ना दें, अभी वहां कोई ऐसी जरूरत नहीं है, अभी हमारे जो देश प्रवासी मजदूर है आप उन्हें दें प्लीज, ताकि उन्हें पता चले कि पैसा कहाँ जाए कहाँ लगाना चाहिए। तो प्लीज दोस्तों जहां तक हो इस वीडियो को शेयर करें कि ताकि लोगों तक मदद पहुंचे।